श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच लंका भी गया था विभीषण से कर लेने के लिए, तो हम आपको भीम के बेटे घटोत्कच के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए एंड तक देखिए क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। देखिए, महाभारत में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। ऐसा ही एक पात्र है भीम का पुत्र घटोत्कच। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों से हुई थी, बस लोग इतना ही जानते हैं। इसके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी हुई अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उसको जितने भी रोचक तत्व हैं सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, जिससे मैं वीडियो की शुरुआत करूँगा, कि घटोत्कच लंका क्यों गया था। महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया तो सभी राजाओं से कर लेने के लिए सबको चारों दिशाओं में भेजा गया। तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर विभीषण से कर लाने के लिए कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। अभी घटोत्कच का जन्म कैसे हुआ? तो लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उसे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंबासुर वहां पे आ गया और युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महाप्रकर्मी बालक पैदा हुआ। वो क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। उसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केसहीन देकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। एक्चुअली में घटोत्कच ने पांडवों की बहुत सहायता की थी। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश और तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम उसे कंधे पर बिठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरह का कष्ट ना हो। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, आप सभी उनके कंधे पर बैठ जाइए, माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में घटोत्कच व उसके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत तक पहुंचा दिया। घटोत्कच ने दुर्योधन से भी युद्ध किया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था तो उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। घटोत्कच ने फिर अलंबुस का वध किया था। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलंबुस ने भी भयानक युद्ध किया। अलंबुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में भी माया दिखाता, उसे अलंबुस अपनी माया से नष्ट कर देता। अलंबुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलंबुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस तरह पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और वे प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। फिर
जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलंबुस को युद्ध करने के लिए भेजा था। यह पहले वाले अलंबुस से अलग था। इस अलंबुस और घटोत्कच में भी भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने इस अलंबुस का भी वध कर दिया। अभी राक्षस अलंबुस का सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गरजता हुआ बोला, मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है, अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। और ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलंबुस का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। अभी हम घटोत्कच के रथ के बारे में बताते हैं। महाभारत के द्रोणा पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वो बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़ों जैसे एक रथ में जुटे हुए थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रिछ के खाल से मढ़ा हुआ था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। अभी घटोत्कच की मृत्यु कैसी हुई हम आपको बताते हैं। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए एक दूसरे को प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है तो फिर उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यदि घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी, कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगे। यदि कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की देवी शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा, युद्ध ही खत्म कर देगा ये। कर्ण ने फिर ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। एक चीज और आपको बता दें कि घटोत्कच की मृत्यु से कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उससे वह शक्ति तुम्हारा, मतलब उससे वो तुम्हारा वध कर सकता था और इसलिए उसने रखी हुई थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने उसको अभी तक छोड़ा हुआ था और इससे पहले मैंने उसका वध नहीं किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहेंगे कि आप, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक दे दीजिएगा भाई, एक लाइक बनता है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर कुछ जानकारी चाहिए या कुछ पूछना हो तो आप हमारे जो वीडियो हैं, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उस कमेंट बॉक्स में आप अपने परामर्श डाल सकते हैं, अपने कमेंट डाल सकते हैं। यथासंभव मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया करूँ, पर कभी कभी वक्त की कमी के कारण मैं आपका जवाब नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं भी चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वीडियो ज्ञान वर्धक वाली चीज़ें हैं उसको अगर आप शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि जो ज्ञान हमसे आप तक पहुँच रहा है वही और लोग के पास भी पहुँचे तो हमें खुशी होगी कि चलो हमारे द्वारा, चाहे वो धर्म की बातें हों, चाहे टोटकी की बात हो, चाहे आयुर्वेदिक चीज़ों की बात हो, वो और लोगों तक भी पहुँचे और लोगों को भी लाभ पहुँचे। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। तो धन्यवाद।